हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों के लिए एक बेहद ही खास शो है, जहां एक तरफ इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर इसको इंटरेस्ट के साथ देखता है, तो वहीं शो के होस्ट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी व्यूअर्स को बांध कर रखने के लिए अपनी जिंदगी का रोज ही कोई ना कोई किस्सा साझा कर ही लेते हैं। KBC 12 का हाल ही में आया एपिसोड बेहद दिलचस्प रहा। गेम की शुरुआत रोल ओवर कंटेस्टेंट तेज बहादुर सिंह से हुई, जो 1 करोड़ के सवाल तक तो पहुंचे लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए। जहां पर एक तरफ तेज बहादुर 50 लाख जीत कर घर गए, हालांकि उनके जिंदगी जीने के जज्बे को सबने सलाम किया, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर आए दिल्ली के अरुण कुमार झा। अरुण मैथमेटिक्स होम ट्यूटर हैं, लेकिन बिग बी ने इन्हें सिर्फ इनके नाम से ही इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि साथ ही अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा भी सुना दिया। अमिताभ बच्चन ने जब अरुण कुमार का इंट्रोडक्शन दिया तो झा साहब से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। अमिताभ बच्चन ने कहा, जैसे ही आप आए मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा झा साहब। वो इसलिए कहा क्योंकि हमारे परिवार में झा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबूजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे और अमरनाथ झा वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बहुत ही प्रख्यात एक विद्वान थे। उनके साथ बाबूजी का बहुत अच्छा संबंध था। अपनी आत्मकथा में भी बाबूजी ने उनकी बहुत चर्चाएं की हैं। हमारे साथ भी जब बात करते थे तो उनके बारे में बताते थे, इसलिए जब किसी भी झा के साथ बात होती है तो हमारे मुंह से झा साहब ही निकलता है। इस किस्से के बारे में जब बिग बी ने बताया तो माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। वैसे ये पहली बार नहीं था जब बॉलीवुड के शहंशाह ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से जुड़ा कुछ दर्शकों के सामने रखा हो। वो अक्सर ही अपने फैंस के साथ अपने परिवार और बचपन के दिनों की बातें साझा करते नजर आते हैं। आपको झा साहब से जुड़ा अमिताभ बच्चन का यह किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।